एक ऐसा वक्त था जब किसी एक सामान के बदले दूसरा सामान खरीदा जाता था। जैसे कि एक व्यक्ति के पास ढेर सारा धान था, तो थोड़ा सा धान के बदले दूसरे व्यक्ति से सब्जी या कुछ और ज़रूरी सामान खरीद लेते थे। उसके बाद आया सोने और चांदी के मुद्रा, लेकिन उसके बाद आया नोट और सिक्का, और यही नोट और सिक्के हमारे मुख्य करेंसी है जिससे हम लेन देन करते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है क्रिप्टो करेंसी, जो पूरी तरीके से डिजिटल करेंसी है, जिसे ना हम छू सकते हैं और ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। सो हे गाइस, मैं हूँ अरिजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट। आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड होंगे क्रिप्टो करेंसी से। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, टॉप क्रिप्टो करेंसीज, माइनिंग एंड माइनर्स, क्रिप्टो मार्केट्स, क्रिप्टो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आर क्रिप्टो करेंसीज इलीगल इन इंडिया। तो लेट्स गो। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज करती है, यानी जिसे एक देश या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पाती, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी होता है और क्रिप्टोग्राफी के मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसीलिए पहले क्रिप्टो करेंसी को इलीगल कर दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया था। लेकिन कई देशों ने आज भी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल मानते हैं, जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया और भी कुछ देश। हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक अलग वैल्यू रहता है, जो हर एक सेकंड में कम या बढ़ती रहती है। इसका एक फिक्स्ड वैल्यू कभी नहीं रहती। जैसे कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बिटकॉइन का प्राइस इंडियन रुपीस में है 26,08,371 रुपये। लेकिन अभी अगर आप गूगल करके बिटकॉइन का प्राइस चेक करोगे, तब अलग ही देखने मिलेगा। और क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट पर नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने कहा, क्रिप्टो करेंसीज का वैल्यू स्थिर नहीं रहती। कब कौन सा क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस समय टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो है बिटकॉइन, एथेरम, टेथर, बाइनेंस कॉइन, कार्डानो, XRP, डॉज कॉइन, USD कॉइन, पोलका डॉट एंड यूनिस्वैप। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, इनमें से कोई भी क्रिप्टो करेंसी कभी भी नीचे या ऊपर जा सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि टॉप 10 के लिस्ट से ही बाहर जा सकती है। जैसे आप आपके बैंक पासबुक को अपडेट या फिर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को पासबुक पर प्रिंट करते हो बैंक जाके, वैसे ही जब आप क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करते हो, तभी आपकी वॉलेट डिटेल्स को अपडेट करके रखने को कहते हैं माइनिंग। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन होता है, उसकी डिटेल्स ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया जाता है, और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी का काम होता है माइनर्स का। और जब ब्लॉक सिक्योर पाया जाता है, तो उस सिक्योर करने वाले माइनर को रिवार्ड के तौर पर कुछ क्रिप्टो कॉइन्स दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जहां क्रिप्टो करेंसी खरीदा और बेचा जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, और इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और क्रिप्टो मार्केट भी कहा जाता है। यहां आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। क्रिप्टो आप आमतौर पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अदर डिजिटल मेथड से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन, एथेरम और कई सारे क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हो, तो गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐप या वेबसाइट मिल जाएगा। लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है या नहीं, इसका सजेशन मैं नहीं दे सकता।
क्रिप्टो एडवांटेजेस। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है, इसीलिए इसमें फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम होता है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने के लिए बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कई सारे डिजिटल वॉलेट्स मिल जाते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। क्रिप्टो करेंसी बहुत सिक्योर होता है। क्रिप्टो डिसएडवांटेजेस। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल डार्क वेब में किया जाता है और इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ड्रग्स, इलीगल वेपन्स खरीदा जाता है क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होने के वजह से क्रिप्टो हैक होने का भी चांसेस है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होने के वजह से इसका वैल्यू कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए क्रिप्टो का कॉस्ट अनएक्सपेक्टेडली घट भी सकती है। जैसे कि कई सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी बैन है, लेकिन कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। अब बात करते हैं हमारे देश की, तो इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। आप कभी भी क्रिप्टो करेंसी बेच या खरीद सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो इतना तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।